वसुदेव जी कहने लगे, आप मैं किसमें बंधा हूं? मैं जुबान में बंधा हूं, वचन में बंधा हूं। वचन को तलाक तो रखना ही रखना है, है ना। तो बड़े ही कठिनाई से दिए देवकी ने, तो ले जाकर के कंस के दरबार में उसको दिए, पेश किए। चलो महाराज मैं बोला था। तो कंस ने कहा, इसका ले जाओ, आज पहले बच्चा है, ले जाओ। ऐसे कहने लगे कंस। तो नारद जी देख लिए, अरे इसका पाप को बढ़ाना जरूरी है, तभी भगवान अवतार लेंगे। अब पापी नहीं होगा तो कैसे बनेगा, है ना भाई। इसके सर में क्या डालना चाहिए? पाप डालना चाहिए। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए, निकले। वसुदेव जी कैसे, वसुदेव जी के बच्चे को कैसे छोड़ दिए? नारद जी कहने लगे, तो पहला बच्चा है, मुझे भाई है, आठवां से भाई है। तो नारद जी ने बताया, एक फूल लिया और फूल लेकर के कहने लगा, इधर गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इधर से भी गिनो, इधर से भी कितना होता है। नारद जी उसको समझाने लगे, इधर भी आठ हो सकता है, पहला भी आठ हो सकता है, और जिसको पहला आठवां कहे तो वो पहला हो सकता है। ऐसे कहने लगे, उसके भ्रमण कर दिया उसको माइंड को, कंस का। हाँ ठीक कहते हैं, बुलाओ उसको, सैनिक भेजे तुरंत। नारद जी उसको देखे नहीं, अंतर ध्यान हो जाते, बताते आओ। आए, क्षणिक दिमाग था इसलिए धीरे धीरे चलने चलते थे। वसुदेव जी बढ़ा लेगा, फिर ऐसे कर लेगा, फिर तो सैनिक गए और फिर लाए, बुलाए उसको। कंस ने जैसे ही देखे, बच्चे के ऊपर छीनने वाले थे, छीन करके वसुदेव जी मुड़ गए और इधर धड़ाम से पृथ्वी पर पटकने लगे। एक बच्चा का हनन करा दिया, लेकिन वसुदेव जी नहीं देखे। वेदों में बहुत से बात ये दिए हुए हैं, बच्चे का अंत देखना, पिता के ऊपर क्या गुजरना, माता के ऊपर क्या गुजरना,
ये सारी चीज बहुत सी चीज दिया हुआ होते हैं, बहुत सारांश निकालते हैं हम लोग यहाँ से, है ना भाई। तो बस देव जी देखे नहीं, चलते चलते चलने लगे। फिर ऐसे करते करते छह पुत्र का हनन करा लिए, है ना भाई। और छह पुत्र का हनन कराने के बाद में सातवें में भगवान शिव जी, भगवान लक्ष्मी नारायण जी कहने लगे, विष्णु जी कहने लगे। उस समय रामावतार में आप मैं बड़ा बनता ऐसा सोच रहे थे आप, इस समय बड़े बनने का मैं अवसर देता हूँ, जाओ। ऐसे सेठ जी ने को भेजे भगवान ने, एक सातवें में स्थापित हुए देवकी के गर्भ में, और योग माया को आज्ञा किए। योग माया को आज्ञा किए भगवान ने, जाओ उसके गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना और नंद भवन में आप प्रकट होना। और उसी समय नंद जी ने ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिए थे, जाओ तुम्हारा ये पुत्रवान भवा, वो भी चौथा फन था बसदेव जी नंद जी का। वाह, जब हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं तो पुत्र क्यों नहीं होगा, पहले तुम्हारे घर में क्या होगा, पुत्री होगा। हिमालय में जाकर के सब ब्राह्मण स्तुति प्रार्थना करने लगे, किसके लिए, नंद भवन, हम आपके आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भवा, यशस्वी भवा, कीर्तिवान भवा। दरवाजा में निकले और वैसे प्रणाम महाराज जी, ऐसे कहते नहीं, आशीर्वाद देते नहीं देते है? पुत्रवान भवा। तो नंद जी कहने लगे कि मैं चौथा पन अब कहे पांच बार है महाराज जी, ऐसे कहने लगे। नहीं नहीं, ब्राह्मण का जुबान कभी खराब होता नहीं है, आपका घर में जरूर आएंगे, ब्रह्म आएंगे, साक्षात जगदम्बा पहले आएंगे उसके बाद आएंगे। और वैसे हुए, पहले जगदम्बा माता की हिमालय में जाकर के ब्राह्मण लोग सब छह महीने सात महीने जब हो गए, उसके बाद ब्राह्मण लोग जान गए कि उसके घर में स्थापित हो गए, योग माया प्रकट हुए थे। कहां पर, नंद भवन, है ना भाई। तो देवी भागवत में मिलते हैं वो कथा, बहुत सा कथा, और मैं तीसरा अध्याय में तीसरा स्कंद में मिले हैं इस कथा को। ये छह पुत्र का हनन क्यों हुआ इसका भी कथा वहां उसमें मिलता है मेरे को, चलते चलते बताएंगे इसको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो वो जब योग माया भगवान के आज्ञा पा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिए, और भगवान के आज्ञा के अनुसार माया योग माया नंद भवन में प्रकट हो गए वहां पर। और इधर भगवान ने जान गए, कंस ने पारादार बैठा दिए, ये अथवा है, अरे मेरे मारने वाला काल हो सकता है ये, इसलिए पहरादार को बाहर बढ़ा दिया उसको। भगवान ने चतुर्भुज नारायण उसको दर्शन दिए, किसको, देवकी और वसुदेव जी को दर्शन देते हैं। हाँ, जब दर्शन दिए तो स्तुति करने लगे, तत्पयी एवस्पयी सद प्रस्तुति सहस्तु सनंधो तत्पयी अनुग्रह श्रियम तत्तु माया सावितम चेत सहसुतम पश्यन्ते नानादी विपद श्रियो एह। ऐसे स्तुति करने लगे, स्तुति गान करने लगे समस्त देवता गान, भगवान के चतुर्भुज को देखे देव के और वसुदेव जी। हाँ, तम बालकादि अम्भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा युधम श्रीवत्सलादि गला शोभितम कौस्तुभम पीताम्बरम संदोपयो शोभांगम। ऐसे ही स्तुति किए पहले देवकी और वसुदेव जी देखे, तो आप चतुर्भुज में नारायण पहले दर्शन देते हैं, मैं कौन हूँ आप कौन हो ये पहले बता दिए। आप उस समय क्या थे, तीन जन्म तक मुझे पुत्र मांगे थे तो दशरथ हुए थे, हाँ, और उस समय वामन अवतार में भी मैं ही प्रकट हुआ था, आप थे दोनों, और इस समय क्या हुए, देवकी और वसुदेव जी हुए, मनु शत्रुपा आप थे, तो उस समय मुझे वरदान मांगे थे मेरे आप में पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं भगवान मैं पहले दिखा दिया हूं, मैं ही हूं ये जान लीजिए। ऐसे भगवान चतुर्भुज नारायण महाप्रकट होकर के दिखा देते हैं,
देवकी और वसुदेव जी को मनोज शत्रु का पहले था। एक तरह से भगवान ने, अच्छा मैं कंस को मारने तो होगा तो मैं अभी मार सकता हूँ, लेकिन मेरा लीला फिर यही तक की सीमित हो जाएगा, उससे अच्छा नंद भवन में पहुंचा देगा, ऐसे कहे भगवान और बाल रूप धारण हो जाते हैं। चलो भाई, प्रगट कृपाला दीन दयाला ओ शिल्लाहित भगवान प्रकट होते हैं बोल वृंदावन।
कृष्ण भगवान की ले जाकर के नंद भवन में यमुना सेठ जी छत्र किए हुए और यमुना के ऊपर चलने लगे, लहरें लेने लगे और उसी के चरण कमल को पी करके यमुना उसको मार्ग देता है। जब नंद भवन जब पहुंचते हैं तो योग माया रोए नहीं है ना, अब भगवान को सुला दिए और योग माया को लेकर के आते हैं। फिर जैसे हुए ताला फिर बंद हो गया और वैसी होने लगे बोल वृंदावन बहला गो राधा कृष्ण भगवान की। अब काली सोहर वाल का वो बनी आएंगे आएंगे आएंगे।
आप लोगों से ज्यादा इस समय को देखते हुए हमारे कान्हा जी का सुहर मंगल कल शुरू से ही जैसे ही बैठे गए आप लोग हमारे कन्हैया जी का सुहर मंगल मनाया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, हो सके तो कल पीला साड़ी पहन कराने की कृपा करें। पीला और जिसके पास नहीं होंगे वो चिंता ना करें, जो होगा उसी को पहन करा जाएगा, है ना। तो आइएगा
की तरह हर गांव पर सठी लागे वृंदावन मंदिर की तरह
श्री राधा कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संसिता। नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै मा नमो नमः।
नंदन निज प्रताप महाजगवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन पति गजवंदन गणपति गजवंदन पति गजवंदन गणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन गाय हगणपति गजवंदन प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की जय जय माँ शारदे भवानी की जय जय बजरंगबली महाराज की जय शंकर भगवान की जय जय समस्त गांव के देवी देवताओं की जय।